हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनीज किचन। एंड आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शुक्तो, वो भी इजी मेथड में। सो मैंने यहाँ पे सारे सब्जी को लंबा लंबा काट के ले लिया है और लिया है बोड़ी। तो इस बोड़ी को भी मैंने घर में ही बनाया था और मैं अब बना लूँगी मेरा सीक्रेट मसाला। सो मैंने यहाँ पे पहले लिया है सरसों, थोड़ा पोस्तो और लिया है पाँच फोड़न, क्योंकि पाँच फोड़न में रहता है मेथी और रांधुनी जो कि इस मसाले का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको कूट लेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसमें। और अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और उसमें फ्राई करने डाल देंगे करेले को, वो भी नमक लगा के। नमक और हल्दी लगा के करेले को मैंने यहाँ पे फ्राई करने छोड़ दिया है। करेला फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और सेम पैन में मैं डाल दूँगी बैंगन को फ्राई होने के लिए। सेम इसमें भी नमक और हल्दी मैंने डाल दिया है और उसको फ्राई कर लेंगे। बैंगन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। और अब कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा और सरसों का तेल और बोड़ी को हम फ्राई करके रख देंगे। बोड़ी फ्राई हो गया है, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दो सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता। फिर मैं डाल दूंगी यहाँ पे आलू और आलू को फ्राई होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है ताकि आलू अंदर से थोड़ा सा पक जाए और फ्राई भी हो जाए अच्छे से। आलू फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। सो मैंने यहाँ पे पहले डाला है मूली, इसको मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देंगे कच्चा केला। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोजना। तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा जो सोजना डाटा होता है उसको ले लिया है और डाल दूंगी थोड़ा सा ग्रीन चिली। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डाल देंगे नमक और हल्दी। मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। फिर डालेंगे अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। डाल दूंगी अदरक का पेस्ट। अदरक और ग्रीन चिली मैंने एक साथ यहाँ पे पेस्ट कर लिया था और उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद जस्ट 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ढक के रख दूंगी। 2 मिनट बाद यहाँ इसको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे गाजर देना भूल गई थी पहले, तो बाद में मैंने डाल दिया है। और डाल दिया 1 कप दूध। दूध डालने के बाद इसमें फ्राई की हुई जो सब्जियाँ थी उसको भी मैं डाल दूंगी, यहाँ पे करेला और बैंगन। और करेला बैंगन डालने के बाद बोड़ी भी ऐड कर दूंगी। तो सारी सब्जियां मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि टेस्ट बैलेंस्ड हो जाए। सो
सब कुछ डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया और ढक के 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। फिर अब मैं डाल दूँगी वो वाला मसाला जो हमने पहले रेडी करके रखा था, और ये डालने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। और अब लास्ट में डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा खाने के लिए। आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो। आप इसको बनाओ, खाओ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं चलती हूँ और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।